मुंबई के इतिहास में लहू से लिखी 26/11 तारीख की आज 9वीं बरसी है। एक ऐसा दिन है जिसे लोग भुलाए नहीं भूलते, क्योंकि इसी दिन इंसानियत के दुश्मनों ने लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। इस दिन नापाक साजिशें रचने वाले आतंकियों ने अपनी बंदूकों से बेगुनाह लोगों का सीना छलनी कर दिया था। ये वही दिन है जब दहशतगर्दों ने हजारों घर उजाड़ कर रफ्तार के साथ भागने वाली सपनों की नगरी मुंबई की धड़कनें रोक दी थी। देश के इतिहास में साल 2008 में हुआ मुंबई आतंकी हमला सबसे भयानक हमला था। 26 नवंबर 2008 की उस काली रात में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए थे। 10 आतंकियों ने 60 घंटे की कार्रवाई में 165 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया था और सैकड़ों को घायल कर दिया था। इस हमले में कई बहादुर पुलिस और सेना के जवान भी खोए थे, जो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स और आतंकियों के बीच हुई लंबी मुठभेड़ में 9 आतंकी मारे गए थे और 10वें आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था और कानूनी प्रक्रिया के बाद पुणे के यरवदा जेल में फांसी दी गई थी। लेकिन इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी जिंदा है और खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मुंबई हमले के गुनाहगार हाफिज सईद को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वैसे ये बात तो सच है कि जब हमें पता है कि आतंकी हाफिज सईद ने ही निर्मम लोगों की लाशों के ढेर लगाए थे, तो फिर सरकार अब तक उसे क्यों नहीं पकड़ पा रही है? आखिर सारी ताकत होने के बावजूद किन बेड़ियों में सरकार के हाथ जकड़े हैं? 9 साल तो बीत गए, लेकिन आस अब भी बाकी है। एक दिन तो आएगा जब मुंबई हमले का गुनाहगार सलाखों के पीछे जाएगा। इसी आस और उम्मीद के साथ पीड़ित आज अपनों को याद कर रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।